परम आदरणीय महावीर भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मैं आपको आज अपनी दुनिया में हो रहे भयानक उपद्रव कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की पीड़ा दुख से अवगत कराने के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। प्रभु, संपूर्ण विश्व में इस महामारी ने अपना जाल बिछा रखा है। धीरे धीरे सभी लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। पूरे विश्व में मातम सा छा गया है। चारों तरफ दुख पीड़ा ही नजर आ रही है, मानो जैसे छठा काल आ गया हो। प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आप इस दुनिया में आए संकटों से सभी को लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे मन में हमेशा आपका स्मरण रहे। आने वाले सभी कष्टों को मैं संभावों से सह सकूं, ऐसी शक्ति दो। प्रभु, न जाने किन जन्मों के कर आज उदय में आए हैं। डगमगाए न मन मेरा, समता से चरणों में अनुरक्ति दो। संभावों से कष्ट सह सकूं, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायिक दर्द भले ही बढ़ जावे, किंतु मन में छूट न हो। हीन भावना नहीं आवे मन में, ऐसी सुख अभिव्यक्ति दो। आत्म ध्यान नहीं आवे मन में, दुख दर्दों को पी जाऊं। ध्यान लगा लूं प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं जी जाऊं। महावेदना भले ही सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ू। जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी क्षमता ना छोड़ू। कभी न मांगू प्रभुर तुमसे, कभी न मांगू प्रभुर तुमसे। कष्टों से मुझे मुक्ति दो। संभावों से कष्ट सह सकूं, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। सामने ना ही पर आसपास हैं। आपको बंद करके जब भी आपका ध्यान करती हूँ, आपको हर पल अपने पास ही महसूस करती हूँ। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। प्रभु, इस वर्ष महावीर जन्म उत्सव को सार्थकता प्रदान करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। नमोस्तु भगवन।